व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। आज है 4th of September, टाइम हो रहा है सुबह के 12:30 और हम जा रहे हैं एक ज़रूरी काम से। ज़रूरी काम बोले तो वन प्लस के सर्विस सेंटर, और देन अगर वहाँ पे काम नहीं हुआ तो हम जाएंगे वन प्लस के शोरूम। रीज़न क्या है हमारा वहाँ पे जाने का, ये आपको वीडियो देखने पे पता लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स है वन प्लस में। सो वेट एंड वॉच। अगर आप वन प्लस 7 या 7 प्रो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 3.5 mm जैक ना होने की वजह से अगर आप यूज़ करना चाहते हो उसमें एक्सटर्नल माइक, तो वो आप नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग कि उसमें 3.5 mm जैक नहीं है, और जैसे कि मार्केट में 3.5 mm के कनेक्टर्स वो भी वन प्लस के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। मैंने सभी परचेज करके देख लिए, ऑनलाइन अमेज़ोन पे भी परचेज करके देख लिए, उनमें माइक कनेक्ट नहीं होता है। तो इस पे मैंने काफ़ी जगह से चेक किया बट मुझे कोई एक प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिला। तो आज एक बार जाएंगे हम कंपनी के पास, लेट्स सी कि कंपनी हमें क्या कहती है, क्या प्रोवाइड करती है। सो आगे देखते हैं, एक बार चलते हैं वन प्लस। वन प्लस की तरफ से 3.5 mm कनेक्टर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 6T के बाद उन्होंने जोन सभी फ़ोन लॉन्च किए, 7 और 7 प्रो दोनों में 3.5 mm कनेक्टर नहीं प्रोवाइड किया जाता। और अगर आप उसको ऑनलाइन परचेज करना चाहेंगे तो ऑनलाइन भी वो अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक है। अमेज़न की वेबसाइट जो कि वन प्लस की प्रॉपर सेलिंग करती है वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। OnePlus.in की वेबसाइट पर भी ये 3.5 mm कनेक्टर अवेलेबल नहीं है, और मार्केट में आपको कहीं पे भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा। जहाँ भी मिलेगा डुप्लीकेट मिलेगा जिसमें आपका माइक वर्क ही नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल एक यूजलेस चीज़ है। अभी जो आप मेरे राइट साइड पे शोरूम देख रहे हो, हार्ले डेविडसन का, यहाँ का वेस्ट जोन का सबसे बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ी शोरूम। नहीं मिला जो हमें चाहिए था तो हम चल पड़े आगे, कनॉट प्लेस। लेट्स सी कि वहां पे मिलता है कि नहीं मिलता। चलो यार क्या कर सकते हैं, कनॉट प्लेस तो पहुंच गया हूं। अभी वन प्लस का जो शोरूम है वो है डी ब्लॉक में, तो दो कट के बाद आगे से हम लूँगा राइट और फिर जाएंगे हम डी ब्लॉक।
आता लगा हूँ। सो गाइस, शोरूम मिल गया, ज़्यादा दूर नहीं था हमारे पास जहाँ पे हम रुके थे, तो चलो चलते हैं एक बार शोरूम परचेज करते हैं। अगर ये पर्टिकुलर जो बनाया गया है, ये जो माइक है पर्टिकुलर बनाया गया है स्मार्टफोन के लिए, राइट? ये देखो, ये स्मार्टफोन के लिए, ये कनेक्टर स्मार्टफोन के लिए है, बट स्मार्टफोन में एप्पल में कनेक्ट हो जाता है, सब में कनेक्ट हो जाता है, बट ये वन प्लस में कनेक्ट नहीं होता है, जिसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है। कंपनी वालों को भी इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। 3.5 mm कनेक्टर उनके पास नहीं मिलता है, तो ये एक अनरिजॉल्व इशू है जो वन प्लस के फ़ोन्स में है। तो मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा, क्योंकि 3.5 mm कनेक्टर अगर उन्होंने निकाला है तो उसकी वजह से नुकसान तो हुआ ही है, बट कुछ चेंजेस करने चाहिए थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि वन प्लस इस बारे में अवेयर हो और ये चेंजेस करे। सॉफ्टवेयर में चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपडेट हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अभी आपने देखी वन प्लस की एक अनसुलझी स्टोरी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये वन प्लस के फ़ोन में कि अगर जो एक्सटर्नल माइक कनेक्ट किया गया है, जो एक्सटर्नल माइक आते हैं बोया के, जो डिज़ाइन करे जाते हैं कि वो स्मार्टफोन में यूज़ किए जा सके, बट स्मार्टफोन में सब में चलते हैं, सिर्फ वन प्लस में नहीं चलते हैं, तो ऐसे कनेक्टर का क्या फ़ायदा, मुझे बताओ। अगर आप लोग भी यही इशू फेस कर रहे हो तो नीचे कमेंट कर दो फटाफट से कि क्या इशू आ रहा है आपको आपके वन प्लस के फ़ोन में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। इस वीडियो को डेफिनेटली मैं वन प्लस की ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, उस पर भी पोस्ट करूँगा ताकि वो इस बारे में अवेयर हों और इसके साथ साथ कुछ चेंजेस किए जाएँ। जो आपने आज देखा वन प्लस की पूरी स्टोरी कि क्या है फ़ोन, नो डाउट एक बहुत बढ़िया फ़ोन है, एक नंबर का फ़ोन है, बट जो 3.5 mm का कनेक्टर है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसके लिए वन प्लस को कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर वन प्लस उसके साथ नहीं दे रहा है, फ़ोन के साथ कनेक्टर नहीं दे रहा है, देन उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ करें, क्योंकि जिनके पास वो फ़ोन है वो डेफिनेटली परचेज करेंगे, बिना ईयरफोन के तो कोई यूज़ नहीं करेगा, या ब्लूटूथ ईयरफोन लेगा। बट जैसे मुझे एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करना था, उसके लिए बहुत बड़ा इशू है। मेरे आईफोन में वो बिल्कुल सही चलता है, ऊपर अभी आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, उसको देखो, उस पर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आईफोन में वो बहुत बढ़िया चलता है, बट वन प्लस में इस चीज़ की दिक्कत है। तो वन प्लस को कुछ करना चाहिए, बट उसका डेफिनेटली सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो उसमें वो डेफिनेटली अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं उसका कुछ और जुगाड़ करने का। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ऑनलाइन ऑर्डर करके देखूँ कि वो भी ओरिजिनल आता है या नहीं आता। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय।